नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 29 सितंबर तक बारिश के आसार। झारखंड में 29 सितंबर तक बारिश के आसार हैं। गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। इस दौरान भारी बारिश भी हो सकती है। सोमवार को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में झमाझम बारिश हुई है। वहीं चेतावनी में IMDI ने मौसम को देखते हुए लोगों को आग्रह किया है कि आप सभी सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित स्थान पर शरण ले, पेड़ के नीचे भूलकर भी न जाए, बिजली के खंभों से दूर रहे, किसान अपने खेतों में नहीं जाए, मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें, इसके बाद ही खेतों में जाए। बता दें, झारखंड में 25 से 27 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज समेत अन्य जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बता दें, पिछले 24 घंटे में झारखंड में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश हुई है। मानसून की गतिविधि कमजोर रही है। सबसे अधिक वर्षा 6 मिलीमीटर बानो सिमडेगा में दर्ज की गई। वहीं सबसे अधिक उच्चतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस गोड्डा KVK में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस मौसम केंद्र रांची में रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव दिवाली और छठ पूजा बाद। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग की टीम आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए सोमवार 23 सितंबर को झारखंड पहुंची है। ऐसे में ये चर्चाएं तेज हो गई है कि झारखंड विधानसभा चुनाव कब होंगे। बता दें, झारखंड में चुनाव आयोग की टीम के आने से विधानसभा चुनाव को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव की तारीखों की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में हो सकती है। वहीं झारखंड में चुनाव दिवाली और छठ पूजा के बाद ही कराए जाएंगे। बता दें, झारखंड की 81 सीटों पर इस बार चुनाव 2 से 3 चरणों में कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग की सूत्रों ने बताया है कि इस बार चुनाव 2 से 3 चरणों में ही कराए जाने की संभावना है। संभवतः नवंबर महीने के मध्य में झारखंड में चुनाव शुरू हो सकते हैं और नतीजे दिसंबर आने की संभावना है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त होने वाला है। ऐसे में चुनाव इसके पहले ही कराए जाएंगे। मैया सम्मान यात्रा में कल्पना सुरेन ने कहा, बीजेपी की घटिया सोच। गढ़वा में मैया सम्मान यात्रा का शुभारंभ करते हुए कल्पना सुरेन ने भाजपा पर जमकर हमला किए हैं। भाजपा को ललकारते हुए कल्पना सुरेन ने कहा है कि अगर भाजपा हेमंत सरकार की योजनाओं को रोक सकती है तो रोक कर दिखाए। कल्पना सुरेन ने कहा है कि उन्होंने षड्यंत्र करके हेमंत सोरेन को 5 महीने जेल में डाला, इसी वजह से मैया सम्मान योजना की शुरुआती में देरी हुई है। नहीं तो हेमंत सोरेन इस योजना की शुरुआत काफ़ी पहले ही कर चुके होते। उन्होंने कहा है कि आज आपको इस योजना की दूसरी किस्त मिल रही है, लेकिन अगर हेमंत सोरेन 5 महीने के लिए जेल में नहीं जाते तो यह आपकी 7वीं किस्त होती। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की पूरी तैयारी कर ली थी। अगर वे जेल में नहीं होते तो 7 से 8 हज़ार रुपये आपके खाते में होते। जो पैसा आपको नहीं मिला है उसके पीछे बीजेपी की घटिया सोच है। पेट्रोल डीजल बेचेंगे झारखंड की जेलों में बंद कैदी। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर झारखंड के कैदी भी अब डीजल पेट्रोल बेचेंगे। यहां भी मुख्य सड़क के समीप की जेल परिसर के पास पेट्रोल पंप खोलने पर विचार चल रहा है। राज्य में पिछले 4 साल से इस प्रस्ताव पर मंथन चल रहा है। बता दें, पहले भारत पेट्रोलियम ने सर्वे किया था, अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से सर्वे चल रहा है। सर्वे पूरा होने के बाद राज्य सरकार को एक मुकम्मल प्रस्ताव जाएगा कि कहां की जेल पेट्रोल पंप खोलने के लिए सुरक्षित है। पहले चरण में केंद्रीय कारा घाघीडीह जमशेदपुर, केंद्रीय कारा गिरिडीह, केंद्रीय कारा दुमका, मंडल कारा चाईबसा, मंडल कारा चास व उप कारा खूंटी को सर्वे में शामिल किया गया है। कारा महानिरीक्षक ने इन जेलों के अधीक्षकों को सर्वे में सहयोग करने के लिए कहा है। बता दें, पेट्रोल पंप के लिए जेल परिसर के पास 30x30 मीटर जमीन की आवश्यकता है। जेल परिसर के समीप पेट्रोल पंप खोलने के पीछे राज्य सरकार का तर्क है कि पेट्रोल पंप खोलने से सजायाफ्ता या सजा काट चुके कैदियों को रोजगार तो मिलते ही है, सरकार को भी कम लागत में राजस्व भी मिलेगा। मधुमक्खियों के हमले से 4 लोगों की मौत। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 20 किलोमीटर दूर तुपुदाना ओपी क्षेत्र में मधुमक्खियों के हमले में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में एक महिला, उसकी 2 बेटियां और महिला का चचेरा भाई शामिल है। बता दें, महिला गांव के ही समीप स्थित खेत में अपने गड्ढे में अपनी बेटियों और भाई के साथ स्नान करने गई थी। इसी दौरान पास ही की झाड़ी में मौजूद मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों ने सभी को डंक मारा। इससे घबराकर महिलाएं अपनी दोनों बेटियों के साथ गड्ढे में कूद गई।
उसका घायल भाई किसी तरह भागकर गांव पहुंचा और लोगों को घटना की जानकारी दी है। इस सूचना पर सौजन ग्रामीणों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और तीनों को बाहर निकाला, परंतु तब तक सभी की जान जा चुकी थी। इधर घायल बच्चे को इलाज के लिए रिम्स ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री आज इटखोरी में 1,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 सितंबर को इटखोरी आएंगे। वे भद्रकाली मंदिर के मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके आगमन की तैयारी पूरी कर ली गई है। उपायुक्त रमेश घोलप ने सोमवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुख्यमंत्री 1,500 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इसमें कोडरमा व चतरा जिला का संयुक्त कार्यक्रम शामिल है। इसके अलावा लगभग 5,000 लोगों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री मां भद्रकाली मंदिर में पूजा करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री 12:30 बजे हेलीपैड पर पहुँच जाएंगे। कार्यक्रम में शामिल होने वालों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए व्यवस्था की गई है। बीच सड़क पर फंसी शिवराज सिंह चौहान की गाड़ी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मामा के नाम से जाना जाता है, उनकी कार हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची है। बता दें, झारखंड में कार्यक्रम से वापस आते समय बारिश के चलते उनकी कार गड्ढे में फंस गई। सुरक्षा कर्मियों ने आनन फानन में उन्हें बचाया है, फिलहाल वो सुरक्षित हैं। मामा शिवराज जमशेदपुर के बहरागोड़ा के शाखा मैदान में आयोजित भाजपा की परिवर्तन सभा में भाग लेने गए थे। वहां से लौटकर वापस हेलीपैड जा रहे थे, इसी बीच उनके साथ यह हादसा हुआ है। बता दें, हेलीपैड जाने के दौरान राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 18 के जर्जर सर्विस रोड के गड्ढे में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की कार फंस गई। भीषण बारिश के चलते कार का एक पहिया गड्ढे में फंस गया, इससे ड्राइवर समेत सुरक्षा गार्ड के बीच अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर के कई प्रयासों के बावजूद गाड़ी को गड्ढे से बाहर नहीं निकाला जा सका। सीएम हेमंत की खुट्टी सिमडेगा को 734 करोड़ की सौगात। सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को खूंटी और सिमडेगा जिले को 734 करोड़ 55 लाख रुपए की सौगात दी है। इस दौरान वे केंद्र सरकार पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया राशि दे देती तो विकास कार्यों में और तेजी आ जाती। सरकार महिलाओं को समान राशि के रूप में 2,000 रुपये महीने यानी सालाना 24,000 रुपये का भुगतान करती। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2021 में उन्होंने खूंटी को लहातू से ही आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आज इस कार्यक्रम के चौथे चरण में फिर आपके बीच हैं। साल 2019 में आपने जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन कर रहे हैं। वे खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के NHPC मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में बोल रहे थे। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में खूंटी एवं सिमडेगा जिले को कुल 73,454.146 लाख रुपये का तोहफा दिया है। बीजेपी की सरकार बनते ही 2,87,000 नौकरी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड की जनता से बड़ा वादा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार बनते ही 2,87,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। बता दें, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए शिवराज सिंह चौहान ने पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में सोमवार को परिवर्तन सभा में यह वादा किया है। उन्होंने परिवर्तन रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बहरागोड़ा में भारी बारिश के बीच शिवराज सिंह चौहान कोल्हान प्रमंडल स्तरीय परिवर्तन रथ को हरी झंडी दिखाने के बाद हेमंत सोरेन सरकार पर खूब बरसे। बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन की वादा खिलाफी और उनकी नाकामियों को गिनाते हुए कहा है कि जो मुख्यमंत्री परीक्षा नहीं करा सकता वो सरकार क्या चलाएगा। झारखंड राज्य पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता शुरू। डोरांडा स्थित जयपवन के परेड ग्राउंड में सोमवार को 16वीं झारखंड राज्य पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन खेल मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने किया है। इस अवसर पर उन्होंने झारखंड पुलिस के खेलों को राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिलाया है। उन्होंने जैप 2 में पहले से बने हॉकी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ लगाने की बात कही, जिससे पुलिस के खिलाड़ी भी इस पर अभ्यास कर राज्य का नाम रोशन करें। मंत्री ने 25 मीटर का एक स्विमिंग पूल भी बनाने और खिलाड़ियों के लिए झारखंड पुलिस में 2% नौकरी देने की भी घोषणा की है। DGP अनुराग गुप्ता ने कहा है कि झारखंड पुलिस न सिर्फ अन्य क्षेत्रों में बल्कि खेल के क्षेत्र में भी अग्रणी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक प्रिया दुबे सहित अन्य पुलिस अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद थे। BPSC में 1957 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। BPSC ने 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती परीक्षा के जरिए बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 1957 पदों पर भर्ती की जाएगी। बता दें कि ये BPSC के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। BPSC की ओर से नोटिफिकेशन 23 सितंबर 2024 को जारी किया गया है।
इच्छुक अभ्यर्थी 28 सितंबर से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। संथाल में अडानी है बड़े घुसपैठिए सुप्रियो। केंद्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को प्रेस वार्ता की। इसमें सुप्रियो ने कहा है कि झारखंड में सबसे बड़े घुसपैठिए तो आपके मित्र गौतम अडानी हैं, जो हमारी जमीन से कोयला निकाले, हमारी पानी का इस्तेमाल किए और हमसे मजदूरी कराए, सीधे बांग्लादेश घुस गए, हमारे संसाधनों से उत्पादित बिजली बांग्लादेश को बेचने लगे। उन्होंने कहा है कि आप आदिवासी हितों की बात करते हैं, लेकिन आपके सीएम ने सीएनटी एक्ट को बदलने का काम और प्रयास किया। झारखंड में आज बीजेपी के ऐसे नेता का आगमन हुआ है जो कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं। गृह मंत्री से मिले सुदेश महतो। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान नवरात्रि के दौरान हो सकता है। नई दिल्ली में आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस दौरान राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात और आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़े विभिन्न विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई। मौके पर असम के मुख्यमंत्री सह झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा भी उपस्थित रहे। इससे पूर्व भी आयसू सुप्रीमो सुदेश महतो भाजपा के बड़े नेताओं से मिलकर राज्य की राजनीतिक हालात पर विमर्श कर चुके हैं। इस मुलाकात में एनडीए गठबंधन के तहत आयसू जिन सीटों पर दावेदारी कर रही है उन सीटों को लेकर भी बातचीत हुई है। सूत्रों के अनुसार आयसू ने 12 से 14 सीटों पर दावेदारी की है। 30 सितंबर तक पूरा करे कांटा टोली फ्लाईओवर का काम। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने सोमवार को कांटा टोली फ्लाईओवर के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान जुड़को और कांटा टोली फ्लाईओवर का काम कर रही एजेंसी को हर हाल में 30 सितंबर तक काम पूरा कर गतिमान बनाने का निर्देश दिया है। बता दें, उन्होंने कार्यरत एजेंसी DRA के प्रतिनिधि को स्पष्ट रूप से कहा है कि हर हाल में 30 सितंबर तक योगदा मठ बहु बाजार से शांति नगर कोकर तक कांटा टोली फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए। युवाओं को एकत्रित होने की जरूरत, चिराग पासवान। लोजपा के सांसद सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सोमवार को पलामू पहुंचे। चिराग ने जमकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा। चिराग ने कहा है कि आगामी कुछ दिनों में झारखंड विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जो इस राज्य के अगले 5 वर्ष का भविष्य तय करेगा। भ्रष्टाचार के आरोप में यहाँ के मुख्यमंत्री जेल गए। यहाँ के मुख्यमंत्री के कारण पूरे प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर शर्मसार होना पड़ा है। अब मौका है ऐसी सरकार चुनने का जो आपके हक की बात करे। उन्होंने कहा कि 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र वालों की है। युवाओं को एकत्रित होने की जरूरत है। झारखंड के युवाओं को दूसरे राज्य में जाकर अपमानित होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की सरकार की नीयत ठीक ही नहीं है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का मोराबादी में जुटान। मोराबादी मैदान में राज्य की लगभग 10,000 आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाएं एकजुट हुई है। यह रैली राजभवन के समक्ष होना था। आवश्यकता से ज़्यादा भीड़ होने की वजह से रैली मोराबादी मैदान में ही किया गया। बता दें, रैली में शामिल महिलाओं ने कहा है कि केंद्र सरकार आंगनवाड़ी सहायिका को 4500 देती है, जबकि राज्य सरकार 5000 रुपये भुगतान करती है। इसके लिए राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में सेविकाएं छोटे बच्चों को 1 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाने और समय समय पर पोषाहार देने का काम करती है। रैली में शामिल कांके प्रखंड के खटंगा पंचायत के आंगनवाड़ी सहिया ने कहा है कि राज्य में लगभग 50,000 से अधिक सहिया और सहायिकाएं लगभग 60,000 से अधिक हैं। वहीं गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार के आश्वासन के बाद रैली को खत्म किया गया है। विधायक ने 27 सितंबर को होने वाली कैबिनेट में लाने का आश्वासन दिया है। झारखंड होमगार्ड में फर्जी नौकरी कर रहे दो और पकड़े गए। झारखंड होमगार्ड विभाग में फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे दो और होमगार्ड का जवानों को पकड़ा गया है, जिसमें अशोक टोपो और नौशाद कादरी शामिल हैं। इससे पहले झारखंड होमगार्ड विभाग में फर्जी तरीके से नौकरी करने के मामले में कंपनी कमांडर समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। बता दें, मामला गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन विभाग के डीजी अनिल पलटा के निर्देश पर धुरवा थाना में 20 सितंबर को दर्ज हुआ है। वहीं जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उसमें कंपनी कमांडर कैलेश यादव के अलावा फर्जी तरीके से होमगार्ड में नौकरी कर रहे आरिफ अंसारी, आसिफ अंसारी, जगदीश टोपो और निषाद अहमद का नाम शामिल है। JSSC परीक्षा में ब्लूटूथ के साथ गिरफ्तार। रविवार को आयोजित JSSC सीजीएल परीक्षा के दौरान गम्हरिया के मोहनपुर स्थित आरका जैन यूनिवर्सिटी में ब्लूटूथ हेडफोन के साथ एक परीक्षार्थी पकड़ा गया। इसकी सूचना पाकर पहुंची गम्हरिया थाना पुलिस ने उसे हिरासत में लेते हुए थाना ले गए, जहां पूछताछ कर रही है। पकड़ाए परीक्षार्थी का नाम नीतीश कुमार बताया जा रहा है, जो सिमडेगा का रहने वाला है।
बता दें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का दूसरा दिन शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संपन्न हुआ। इस परीक्षा के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 82 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा 3 पालियों में हुई। रविवार को आयोजित परीक्षा में कुल 37,368 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, जिसमें मात्र 19,111 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया है। शिक्षकों की प्रोन्नति 1993 नियमावली के तहत झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में प्राथमिक शिक्षकों को ग्रेड 4 से ग्रेड 7 में प्रोन्नति देने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा है कि ग्रेड 7 में प्रोन्नति वर्ष 1993 में बनी प्रोन्नति नियमावली के तहत होगी। अदालत ने अर्हता रखने वाले शिक्षकों को ग्रेड 7 में प्रोन्नति देने का आदेश दे दिया है। अदालत ने कमेटी की अनुशंसा पर अब तक सरकार की ओर से जारी पत्र और प्रोन्नति को लेकर बनी वरीयता सूची को भी निरस्त कर दिया। इस संबंध में राकेश कुमार सहित अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। बता दें सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सौरभ शेखर ने अदालत को बताया है कि कई शिक्षकों की वर्ष 2012 में ग्रेड 4 पर सीधी भर्ती हुई है। इसी ग्रेड पर कई शिक्षक प्रोन्नति पाकर पहुंचे हैं, लेकिन सरकार ने वर्ष 1993 की प्रोन्नति नियमावली की कुछ शर्तों को शिथिल कर दिया है। आदिवासियों से छल करने वालों को दिलाकर रहेंगे सजा, नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश में भ्रष्टाचार के साथ राष्ट्र विरोधी तत्वों को पनाह देती है। राज्य में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही झामो भी इसे सीखती है। सोमवार को खुट्टी में भारतीय जनता पार्टी की प्रवर्तन रैली को प्रारंभ करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि झारखंड अलग राज्य का निर्माण करने वाली भाजपा की आदिवासी भाई बहनों का सम्मान करने वाली और उनके अस्मिता की रक्षा करने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले नेता हैं जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर उनके गांव पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए झारखंड हमेशा प्राथमिकता में रहा है। लाखों करोड़ों की योजनाओं को झारखंड से प्रारंभ किया गया है। इंटरनेट बंदी पर हेमंत सरकार पर बरसे बाबूलाल। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए हेमंत सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया। रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा है कि इंटरनेट बंद होने से आम लोगों को परेशानी हुई है, व्यापार बुरी तरह प्रभावित रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में चल रही परिवर्तन यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए भी इंटरनेट सेवा बंद किया गया था, ताकि डिजिटल माध्यम से यात्रा का प्रचार प्रसार नहीं हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर कह देते कि डिजिटल माध्यम से प्रचार प्रसार नहीं करना है तो भाजपा नहीं करती। बाबूलाल ने कहा है कि परीक्षा देने आए बच्चों के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कई बच्चे दूर दराज से आते हैं, आने जाने के लिए ऑनलाइन टैक्सी बुक करते हैं। नेट बंद होने से यह भी प्रभावित हुआ है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर हलचल तेज। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार महागठबंधन में सीट बंटवारे पर भाकपा माले तनाव बढ़ाएगा। सीटों की दावेदारी पर माले की 24 व 25 सितंबर को होने वाली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। उन्होंने भाजपा के विरुद्ध एकजुट होकर चुनाव लड़ने का आह्वान किया है। मासस के विलय के बाद भाकपा माले का मनोबल ऊंचा है। धनबाद में दोनों ही दलों ने 9 सितंबर को एकता रैली के माध्यम से अपना शक्ति का भी परिचय दिया था। पार्टी विधानसभा चुनाव के मूड में आ चुकी है। पार्टी से जुड़े प्रमुख नेताओं का झारखंड में आना जाना भी लगा हुआ है। गंगा उफान पर 8,000 लोग प्रभावित। साहेबगंज के शहर के आसपास के इलाके में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। चंद दिनों से गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से जिले के कई क्षेत्रों में गंगा का पानी प्रवेश कर गया है। किशन प्रसाद पासवान टोला में 4 वर्षीय बच्चे की पानी में डूबकर मौत हो गई। वहीं कई मवासी के गंगा नदी के तेज धार में बह जाने की बात भी सामने आई है। एक ओर जहां बाढ़ के कारण किसान परेशान है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन से अब तक प्रभावित की कोई सुध नहीं लिए जाने की वजह से बेचैनी और बढ़ गई है। लगभग दर्जनों गाँव के 800 परिवार प्रभावित हैं। बता दें जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील यादव सोमवार को लगातार तीसरे दिन बाढ़ प्रभावित कारगिल देहरा लाल बथानी किशन प्रसाद समेत अन्य इलाकों का भ्रमण कर प्रभावितों की समस्याओं से रूबरू हुए। उनकी समस्याओं को हर संभव समाधान करने का आश्वासन दिया है। चुनाव आयोग से जेएमएम की मांग। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। भाजपा जहां परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, तो वहीं हेमंत सोरेन सरकार भी सोमवार से मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत कर रही है।
वहीं दूसरी तरफ भारत निर्वाचन आयोग की टीम विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा रांची करने पहुंच चुकी है, लेकिन चुनाव से पहले झामो ने चुनाव आयोग से बड़ी मांग की है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर विधानसभा चुनाव का संचालन दिसंबर के प्रथम सप्ताह से कराने की मांग की है। साथ ही प्रचार प्रसार का एक समान अवसर देने के साथ साथ अन्य कई मांग भी रखी है। पत्र में उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय नेताओं पर भी बड़ा आरोप लगाया है। SC ST मामले में इरफान अंसारी को झटका। कांग्रेस के जामताड़ा विधायक और मंत्री इरफान अंसारी को सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने 2 जुलाई 2022 को सुनीता देवी द्वारा जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर दर्ज कराई गई प्राथमिकी निरस्त करने की मांग की थी समेत अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायतवाद दर्ज कराई थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है। दरअसल मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ 2 जुलाई 2022 को सुनीता देवी ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने समेत अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायतवाद दर्ज कराई थी जिस पर जिला अदालत संज्ञान ले चुका है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए, साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।